यहाँ पर देखो कितना बड़ा सितार है, ये देखो वाओ, बड़ा ये ड्रम है, ये देखो पुराने टाइम में नहीं होता था, राजा महाराजा के एंट्री के टाइम बजते थे। और ये देखो भाई शॉट गन यहाँ पर चलाई जा रही है। तो कचौड़ियाँ बहुत खाई होंगी, बट यहाँ पे जो है मावे की कचौड़ी है, मैं खोआ भरा होगा जिसके अंदर, वाओ स्पेशल कचौड़ियाँ, मावा कचौड़ी, ये देखो मावा कचौड़ी ये बता रहे हैं। और यहाँ पर देखो मेरा गांव मेरा देश कितना अच्छा बनाया हुआ है, यहाँ पे पूरा राजस्थान वाला लुक है सारा कुछ। ये देखो गांव के रिक्शे, यहीं पर ही देखो ऑटो लगाया हुआ है जो गांव में चलता है ऑटो रिक्शा, देखो बैलगाड़ी है वहाँ पर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो अभी हम चल रहे हैं दिल्ली के हुनर हाट में, जो कि 2021 और 22 का लग चुका है, 23 दिसंबर से लगा था, और आज अगर डेट की बात करें तो आज 27 दिसंबर है। तो भाई जो हमारे हुनर हाट है 5 जनवरी तक लगने वाला है, तो भाई जल्दी करो, देरी मत करो, आप जल्दी से वहाँ पे जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, 5 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, 2022 5 जनवरी। तो अभी हम चल रहे हैं हुनर हाट में, उसके नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो वो है JLN मेट्रो, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। वहाँ पे ढेर सारी कंट्रीज़ के आपको सामान खरीदने के मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए फूड मिल जाएगा, और ढेर सारे कल्चरल प्रोग्राम भी वहाँ पर चल रहे हैं, तो सब कुछ दिखाने वाले हैं, बने रहना ब्लॉग के अंदर बिना किसी स्किप के। ये रहा JLN स्टेडियम मेट्रो, तो ये आप मेट्रो स्टेशन देख रहे हो, गेट नंबर 3 है, यहीं से आपको बिल्कुल इस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट बिल्कुल, और लेफ्ट आप जाओगे ना सीधा आपको चलते रहना है, तब सीधा आप चलोगे तो आगे रेड लाइट आएगी, और रेड लाइट से आपको लेफ्ट ले लेना है, तो आप लेफ्ट लोगे थोड़ा ही चलने के बाद आपको हुनर हाट दिख जाएगा। तो भाई ये रहा सामने JLN यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, वही गेट नंबर 2 से हम एंट्री ले रहे हैं और चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या हमारे लिए प्रोवाइड करवाया गया है। यहाँ पे गेट नंबर 2 था हमारा, और उसी के यहीं पर ये मैं साइन दिखाई दे जाएगा पार्किंग का, तो इस साइड हमारी पार्किंग है, बाकी एंट्री है वहाँ सामने से, चलते हैं अंदर। एंड दिस इज़ द फर्स्ट लुक आफ्टर एंट्री, वो ये देखो पेड़ किस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, पूरा आर्टिफिशियल, इतना अच्छा लग रहा है। हुनर हाट की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ का कोई भी टिकट चार्ज नहीं है, फ्री एंट्री है। एंट्री के बगल में ही दिखाई दे जाता सबसे पहले विश्वकर्मा वाटिका हुनर हाट, तो यहाँ पे एक बार चल के देखते हैं अंदर क्या हुनर है यहाँ पर। तो ये विश्वकर्मा भगवान है सामने। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले यहाँ की कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं। तो भाई इसकी जो टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक है, ये 23 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था, 5 जनवरी तक लगने वाला है। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको बता दिया मैंने, JLN मेट्रो गेट नंबर 3 से एग्जिट लेना है, और यहाँ की एंट्री गेट नंबर 2 से होगी, कम्प्लीटली बता दिया। ढेर सारी कंट्रियों के यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, तो अब कंटिन्यू करते हैं व्लॉग को और देखते हैं आगे। एप्लीक्यू वर्क, ये हैंडीक्राफ्ट में सारा हुनर है जो कि डेकोरेशन के लिए है। आप डेकोरेशन देख रहे हो कितनी अच्छी करी हुई है अम्ब्रेला से पूरा, देखते क्या क्या स्टॉल्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। ये सारा आप यहाँ पे देख रहे हो सब कुछ, ये हैंडीक्राफ्ट है, और ये मैम जो सामने है ये बंगाल से आई हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल, तो मैम से ही कुछ पूछते हैं। मैम यहाँ पे अगर रेट की अगर बात करें तो स्टार्टिंग और लास्ट रेट क्या है मैम?
हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग रेट है 50 रुपीज़ से। 50 रुपीज़ एंड लास्ट 10,000 एंड मैम यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल से आए हो, तो रियल में बंगाल से आए हो आप? हाँ हमारा बांग्ला कोलकाता वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से। कैसे तो मैम कुछ बोल के दिखाई पूरा बंगाली में? बोलूँ कि बोलो बोलो ना, आप भी बोलूँ कि बोलो कुछ भी। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি, এটা আমাদের টোটালি হ্যান্ডিক্যাফ্টের মাল, আর এখানে সব কিছু হাতেই আমাদের তৈরি হয়। আর আমাদের এখানে 50 রুপিজ সে 10,000 তক সারে চিজ হয়। ম্যাম বঙ্গালী বল রা? হ্যাঁ সমঝ মে আ রা সব কিছু, তো ভাই বঙ্গালী ভি সমঝ মে আতি হ্যায়, মতলব নরমাল ল্যাঙ্গুয়েজ সে থোড়া হি ডিফারেন্ট হ্যায়, জ্যাদা নি হিন্দি নি বঙ্গালী হি ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড আপ জো বলতে হ্যায়। আচ্ছা আচ্ছা, हम लोग स्पीड में बोलो तो आप लोगों को पता। अच्छा अच्छा, स्पीड में बोलोगे तो समझ नहीं आएगा? धीरे धीरे बोला, एक बार बोलना है स्पीड में। अपोनेंट पार्टी भी तो चाहिए स्पीड में बोलने के। अच्छा कन्वर्सेशन के लिए पार्टी चाहिए। थैंक यू, मजा आया। वहाँ पे भी सारा फूड कोर्ट है उस साइड सामने, वहाँ चलेंगे बाद में, पहले सारे स्टॉल्स कवर कर लेते हैं। यहाँ पर सारा फर्नीचर का आइटम है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो की ये देखो झूला कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है, ये देखो है ना कितना मस्त। ये देखो सारा यहाँ पे फर्नीचर का आइटम है। ये सामने शॉट गन है, ये देखो ये सारा सो पीस के अंदर, ये सारे इतनी अट्रैक्टिव चीजें हैं यहाँ पर, वाओ। वाली बंदूक है हेरे फेरी में जो होती है। 30 करोड़ का माल है। बाकी ये देखो, तो ये रहा गांधी जी का चरखा, ये रही पंजाब की शान ढोल नगाड़े। यहाँ पर है होम डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आइटम है। तो ये क्या है, ट्रे वगैरह है ना फूड सर्व करने के लिए? जी ये ट्रे है। बाकी लैंप्स? ये टेबल लैंप्स हैं। टेबल लैंप्स डेकोरेशन। ये वॉचेस हैं? बॉल। वाओ बॉल क्लॉक, कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं यहाँ पे। बाकी ये सब क्या क्या चीज़ें बताना? ये बॉल क्लॉक हैं, ये ट्रे हैं फोर सर्विंग, सर्विंग के लिए हैं, उसको बोथ साइड्स मतलब अलग तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी ये बॉक्स हैं, मिनी ट्रंक हैं, मिनी ट्रंक आप रख सकते हैं, मतलब बाकी ये होता है उसको बनाया। ये बाथरूम साइट है। और बाकी ये क्या है? ये कॉस्टर है। अच्छा कप वगैरह के ऊपर रख दो है, टी वो इसके ऊपर रखा जाता है। अच्छा वो इसके ऊपर रखा जाता है, रखना है तो इस पे। बाकी ये पेन के लिए बॉक्स हैं, ये कटलरी होल्डर है। अच्छा कटलरी होल्डर, इसमें पेन वगैरह रखने के लिए कुछ? पेन भी रख सकते हैं मतलब जो चाहे होल्डर के लिए। अच्छा पेन होल्डर भी है, करते हैं ये सारे पेन होल्डर है। ये पेन होल्डर, ये कॉस्टर साइड्स हैं। वाओ कितने क्यूट क्यूट से, ये देखो। बाकी ये भाई जी यहाँ है जम्मू कश्मीर से, इनके पास देखो क्या क्या यहाँ पे साड़ी वगैरह का आई थिंक आइटम है सारा, साड़ी स्टॉल वगैरह ये सब है यहाँ पर। यहाँ पे देखो कारपेट वगैरह है सारी, ये देखो। भाई आप कहाँ से आए हो? मदुई। ये कहाँ पर है? वाराणसी से। अच्छा वाराणसी का फेमस है सब है। क्या रेट रहेंगे वैसे इसके? 2,500 के रेंज में आते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, देख रहे हो इतने सारे यहाँ पे कालीन वगैरह हैं, 2,500 की रेंज बता रहे हैं इन सब की। बाकी वो पीछे घूम रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, न्यूज़ से आए हैं किसी। बाकी ये जो आइटम्स हैं ये सारे अपने दिल्ली के ही हैं, नॉर्थ दिल्ली के सारे आइटम यहाँ पर हैं। ये भी देखो कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। बाकी यहाँ पर ये जो है ये फैब्रिक है सारा, जो कि बिहार का है। ये देखो सामने हैंडीक्राफ्ट का वर्क स्टार्ट है, चालू है सब कुछ, ये हैंडीक्राफ्ट में है, देख रहे हो भाई साहब क्या कलाकारी है। भाई साहब ये देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लकड़ी का है सब कुछ, ये वुडन है सब कुछ, और कितना अच्छा लग रहा है।
ये सारा देख रहे हो भाई, ये सब बैम्बू से तैयार किया गया है। पूरा सोफा है, चेयर है, टेबल है, सब कुछ बैम्बू से तैयार किया गया है। ये बाकी ये फर्नीचर रखा हुआ है, लोग मजे ले रहे हैं यहाँ बैठ बैठ के। बाकी यहाँ पे दूध वाली भैया की साइकिल छूट गया गलती से। देखो सारा बैम्बू का है यहाँ पर, जो क्रिएटिविटी है सब कुछ बैम्बू से की गई है। इस वाली स्टॉल के अंदर प्रॉपरली सब कुछ बैम्बू से है, देख रहे हो। ये देखो जो क्लिप होती है लड़कियों की, पूरे बैम्बू की बनी हुई। ये देखो यहाँ पर एक से एक चीज़ें, सब कुछ बैम्बू का तैयार किया गया है। ये प्रॉपर सब कुछ बैम्बू का। देखो ये सारे असम से आए हुए हैं लोग, ये देखो असम के लोग हैं। प्रॉपर बैम्बू की चीज़ें यहाँ पर कितनी कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव, कितनी जितनी ज़्यादा प्यारी हैं। तो चाहे डेकोरेशन की बात करी जाए या सिटिंग अरेंजमेंट की बात करी जाए, ठीक है। बाकी ये देखो छोटे मोटे मतलब मंदिर वगैरह के लिए भी चीज़ें हैं। बैम्बो का है सब कुछ, ये फ्लावर पॉट वगैरह टाइप इसको कह सकते हो आप। पूरा बैम्बो का तैयार किया गया है। बाकी ये यहाँ पे देखो बैम्बो की चेयर पे बैठ कर आराम कर रहे हैं। ये सामने आई थिंक मेटल यानी पीतल का ये सब कुछ है शायद। सारी बेल्स वगैरह हैं यहाँ पे, पूरी वैरायटी जो है सब कुछ बेल्स की हैं। देखो सारी बेल्स हैं यहाँ पर। देख रहे हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो भाई देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे हैं और कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव, और क्या क्या इनकी साउंड आ रही है, कितनी प्यारी प्यारी साउंड आ रही है। तो बड़ा ये ड्रम है, ये देखो पुराने टाइम में नहीं होता था, राजा महाराजा के एंट्री के टाइम बजते थे। वैसे इसके लिए कोई ढोल वगैरह मतलब तो स्टिक वगैरह चाहिए, हमसे तो बज नहीं रहा हाथ से फुल मूड में। यहाँ पर देखो कितना बड़ा सितार है, ये देखो वाह। देखो यहाँ पर अगर फूड की अगर बात करें, यहाँ पर है केसर कुल्फी, ढेर सारे यहाँ पे मतलब नमकीन वगैरह का यहाँ पे मिक्सर करके आपके लिए बढ़िया से तैयार किया जाएगा। यहाँ पे बिहार की शान लिट्टी चोखा, ये देखो तैयार किया जा रहे हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। वाओ चटनी वगैरह सब कुछ यहाँ पे तैयार है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। ये देखो सब कचौड़ियाँ बहुत खाई होंगी, बट यहाँ पर जो है मावे की कचौड़ी है, मैं खोआ भरा होगा जिसके अंदर। वाओ स्पेशल कचौड़ियाँ, मावा कचौड़ी, ये देखो मावा कचौड़ी ये बता रहे हैं, एक से एक यहाँ पे। वाओ यार इस इतनी अच्छी यहाँ पे यार खुशबू आ रही है, मन कर रहा है खाने का, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है। मतलब ये देख रहे हो पूरा रॉ बना हुआ है। यहाँ पर फूड कोर्ट है सारा, देखो काफ़ी लोग खा रहे हैं। एक फूड कोर्ट यहाँ पर है, एक वहीं पर सामने है जहाँ पर लिखा हुआ है मेरा गाँव मेरा देश। ठीक है चीले तैयार कर रहे हो, चीले मक्की की रोटी। अच्छा मक्के की रोटी, अच्छा पंजाब से आए हो क्या? ये देखो पंजाब से आए हैं, मक्के की रोटी यहाँ पर तैयार की जा रही है। इस मटके के अंदर क्या है? सरसों का साग। और ये वाला और ये क्या है? चटनी, चटनी, सरसों का साग, चटनी, छोले। ये देखो भाई पंजाब से आए हैं पंजाब। ये लड्डू किस चीज़ के है? ये चूरमा लड्डू है। चूरमा लड्डू किस चीज़ के बने? ये आटे के बने, देसी घी ड्राई फ्रूट मिक्स। अरे वाह। ओ यहाँ पर देखो मेरा गांव मेरा देश कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे पूरा राजस्थान वाला लुक है सारा कुछ। ये देखो गांव के रिक्शे, यहीं पर ही देखो ऑटो लगाया हुआ है जो गांव में चलता है ऑटो रिक्शा। और नीचे देखो इस तरह से बिछाया हुआ है पूरा, ऐसा गांव की मिट्टी होती है। ढेर सारे यहाँ पे फूड हैं। ये देखो भाई कैसा लग रहा है, किस चीज का बना है? ये चांदी का बना हुआ है। चांदी का ये 9 to 5 चांदी, ये भी चांदी। अरे वाह चांदी के कपड़े, इसको प्लेटिंग किया। बाकी पगड़ी जो है ये भी चांदी की है? चांदी की। अरे वाह, ये स्टॉल भी चांदी की। ये स्टॉल भी चांदी के भाई साहब, कपड़े चांदी के। वैसे प्राइस की अगर बात की, क्या प्राइस होगा इसका? अगर चांदी बनाएगी तो 90,000 पड़ेगा। 90,000 चांदी के कपड़ों का। मास्क भी है चांदी का। वाह यार मास्क चांदी का, ये देखो भाई साहब
चांदी का मास्क, वाओ। इसके ऊपर ये प्लेटिंग किस चीज़ की है? सोने की, सोने की गोल्ड की प्लेटिंग है। इसके ऊपर मास्क चांदी का है। ये तो गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए अलग अलग डिज़ाइन है। ये देखो कितने सारे डिज़ाइन है, ये पूरे चांदी के बने हुए, वाओ, वेरी अट्रैक्टिव। ये देखो, अगर यहाँ के नंबर की बात करें, शॉप नंबर है यहाँ का, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 117। ये देखो भाई साहब, नट बोल्ट वगैरह से सारा कुछ ये बनाया हुआ है, डेकोरेशन का नट बोल्ट से बने हुए हैं। यहाँ पे देखो ये जिराफ, ये देखो हाथी, ये देखो जिराफ, वाओ वाओ यार, सारा नट बोल्ट से तैयार किया गया है ये। वैसे कम्प्लीटली मैंने यहाँ के बारे में दिखा दिया, बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है यहाँ पर हुनर हाट जो है। तो भाई सब कुछ तो नहीं कर सकते, बट जो ओवरव्यू तक कम्प्लीटली सब कुछ दिखा दिया है। अगर अभी आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, ना इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे थे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार मैं मेहनत करता हूँ, आपको पसंद भी आती है वीडियो। ऐसा नहीं है कि वीडियो पसंद नहीं आ रही, पसंद भी आती है, बट आप सपोर्ट नहीं करते, तो सब्सक्राइब करें, उन्हें जाना नहीं है। तो यही था आज के इस ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।